हेलो फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि जब भी किसी बच्चे की डिलीवरी प्री मैच्योर होती है, यानी कि समय से पहले होती है, तो उसकी तबीयत ज्यादा खराब होती है। कई माता पिता को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा ही इतना बीमार क्यों पड़ता है, लेकिन आपको ये बात समझने की जरूरत है कि बच्चे के गर्भ में रहने का समय 1 महीने से लेकर 9 महीने तक का होता है, या फिर 0 से 9 महीने तक का होता है। जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो बच्चे को माँ के पेट के अंदर संपूर्ण पोषण मिलने के बाद वो अवधि पूरी होने के बाद ही डिलीवरी होती है, लेकिन कई कई स्पेशल केसेस के अंदर बच्चा डिलीवरी की डेट से पहले ही पैदा हो जाता है। कई बच्चे 7वें महीने में पैदा हो जाते हैं तो कई बच्चे 8वें महीने में पैदा हो जाते हैं, जिसको प्री मैच्योर डिलीवरी भी कहा जाता है। और प्री मैच्योर बच्चों की तबीयत ज्यादातर खराब रहती है। इसका कारण बहुत ही सिंपल सा है। जब भी माँ कोई भी चीज कंज्यूम करती है तो 9 महीने के दौरान बहुत सारे चेकअप करवाने की वजह से, या फिर वैक्सीनेशन लेने की वजह से, या फिर डॉक्टर से निरीक्षण करवाने की वजह से वो अपने आप को स्वस्थ बना लेती है, जिसकी वजह से वो सारे प्रभाव उसके बच्चे तक आराम से पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे की डिलीवरी ही प्रीमैच्योर हो और वो समय से पहले पूरा हो जाए और समय से पहले ही डिलीवरी हो जाए, तो उसे वो सारे तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को लंबे समय तक बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिले। और इसी के कारण प्रीमैच्योर बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी तबीयत ज्यादातर खराब रहती है। अगर आपका बच्चा भी प्रीमैच्योर डिलीवरी से ही पैदा हुआ है तो आपको उस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके खान पान पर ध्यान दीजिए, साफ सफाई पर ध्यान दीजिए, स्तनपान कराना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आप स्तनपान नहीं करवा पा रही हैं तो डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे प्रीमैच्योर डिलीवरी से पैदा होते हैं उन्हें पीलिया और वैक्सीनेशन की बहुत जरूरत होती है। पैदा के साथ ही बच्चे को पीलिया रोग जकड़ लेता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चे को भी और माता पिता को भी। इसीलिए जरूरतों पर, सफाई पर और हर एक चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, अगर आपके बच्चे की प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई है तो आपका उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर वो थोड़ा बड़ा हो रहा है और उसके खाने पीने पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो आपको अपनी इस गलती को सुधारना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर प्रीमैच्योर बच्चों का वजन बहुत ज्यादा कम होता है। वजन को संतुलित करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।